वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ही बिंदास होने वाला है। तो गाइस ये इसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी इस टाइम कहाँ पर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर के सामने तोरण द्वार पर हूँ इस टाइम, और मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर आ भी चुकी है और फैमिली हमारी सिस्टर भी आ चुकी है। तो आपको कैसा लग रहा है? एकदम बिंदास लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। गाइस बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ का नज़ारा, और देख रहे हैं यहाँ का सीन कितना बिंदास है गाइस। और गाइस यहाँ पे मिलने वाला प्रसाद भी ना, हर तरफ आपको झंडे झंडे नजर आएंगे, और भी फूल भी मिलता है, गुलाब का कुछ भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आने के बाद ना यहाँ की एनर्जी है ना एकदम बहुत नेक्स्ट टेबल पर है और बहुत मस्त लग रहा है। और लोग यहाँ पर बैंड बाजे के साथ भी आए हुए हैं, तो दिखाते हैं उनका भी व्यू और भी आपको अगर। तो फाइनली गाइस तोरण द्वार से मंदिर की दूरी डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, और अभी हम रिंगस से आए हैं। रिंगस से यहाँ की तोरण द्वार की दूरी 19 किलोमीटर, जिससे 50 रुपये का चार्ज लगता है यहाँ तक आने का। तो गाइस बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पर, बहुत यूनिक और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर आने के बाद। एक बार आप भी आइएगा जरूर, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हम तोरण द्वार से अंदर तो आ गए हैं, इस गली से चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। तो फाइनली गाइस यहाँ तोरण द्वार से अंदर आने के बाद ना यहाँ पर हर दुकान पर प्रसाद भी मिल रहा है और बाबा का निशान भी मिल रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है। पर हमने अभी तो कुछ भी नहीं लिया है, हम मंदिर के अंदर जाएंगे और वहाँ से श्याम कुंड में नहाने के बाद फिर प्रसाद वसाद लेकर फिर चलते हैं अंदर बाबा के दर्शन करने के लिए। पहले गाइस मंदिर के रास्ते में ना यहाँ पर धर्मशालाएं भी बहुत हैं, यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। तो गाइस ये रास्ता है जो श्याम कुंड की तरफ जाती है, और हमें चलना है श्याम कुंड तक। फाइनली गाइस यहाँ पर दो रास्ता है, आपको इधर चलना है इस साइड में। तो फाइनली गाइस इस रास्ता में इतनी पतली पतली सी गली है, और उनमें काफी गली निकली हुई है, अगर आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पर टप जाएंगे। तो फाइनली बाबा का श्याम कुंड यही है, यहाँ चलते हैं अंदर के लिए। तो हमारी पूरी फैमिली भी आ चुकी है, और बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर है बाबा का श्याम कुंड, अगर आप पहली बार आएंगे ना तो यहाँ पर पक्के में गली भूल जाएंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे किसी से पूछ लो तो वो बता भी देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली गाइस श्याम कुंड के अंदर चप्पल जूता पहन के जाना इनकार है, इसलिए यहाँ पर जूता चप्पल उतार के अंदर जा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पर चप्पल जूता यहाँ पर निकाल दिए, अब यहाँ से निकालने के बाद चलते हैं श्याम कुंड अंदर की तरफ। यहाँ से चलते हैं, श्याम कुंड के अंदर होती है एंट्री, और एंट्री होने से पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी पैर धुल जाएंगे पैसे। तो फाइनली बाबा का श्याम कुंड यहाँ पर है स्थित, जो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर चल के। तो फाइनली बाबा का श्याम कुंड यहाँ पर है, जो आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, यहाँ पर बहुत ही मजा आता है। और ये इस तरह से बाबा की श्याम कुंड की स्नान, और बहुत ही लोग हैं यहाँ पर आए हुए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। गाइस मैं तो जुबान से बयां नहीं कर सकता, मैं तो क्या बताऊँ, मेरी तो फील ड्रीम पूरा हुआ है गाइस। यहाँ का ड्रीम था मेरा यहाँ पर खाटू श्याम आने का, और वो आज पूरा हुआ है बाबा के दरबार में। गाइस श्याम कुंड के अंदर आने के बाद यहाँ की नजरिया देख के ना भाई एक नंबर का फील आ रहा है, और यहाँ का इतना मस्त लग रहा है ना आने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम बैग साथ ले आए थे, तो बैग हमने बाबा के लिए दे रहे थे यहाँ पर, पहले हम नहा दें फिर बोल नहाएंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ बाबा के श्याम कुंड में आने के बाद ऐसा फील आ रहा है ना, कैमरे में तो भले ही आपको ठीक ना लगता हो, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा फील आ रहा है ना, मैं बयां नहीं कर सकता अपनी सुबह से। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही मस्त लग रहा है। गाइस बाबा के श्याम कुंड का जल लेने के लिए हमने बॉटल तो ले ली है, और इनमें जल भर के चलते हैं फिर अपने, फिर नहाने धोने के बाद फिर बाबा का दर्शन करने के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं। ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, पूरी जिंदगी का सबसे अलग ब्लॉग होने वाला है ये। इस कुंड के अब नीचे चलते हैं, एक एक करके मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अलग फील हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। चलते हैं नहाने के लिए, और नहाने के बाद मिलते हैं फिर आपको। तो फाइनली दोस्तों इनका तो नहाना धोना हो गया स्टार्ट, और फिर मैं भी नहाता हूँ। दोस्तों कितना मजा ले रहे हैं ये लोग यहाँ पर नहाने के बाद, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर नहाने के बाद, इतना मजा आ रहा है ना, लोग इतने तड़क जयकारे लगा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अलग फील आ रहा है। मैं गाइस आपको बता नहीं सकता कि कैमरे में कैसा शूट हो रहा है, लेकिन इतना मस्त लग रहा है ना गाइस, अपनी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है ये। लोग सब नहा रहे हैं आराम से, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। चलो मैं भी मिलता हूँ नहाने के बाद।
बहुत मस्त नहाना धोना तो हो गया है बाबा की शाम कुंड का, मैंने भी नहा लिया है और हमारे बाबा जी हैं उन्होंने भी नहा लिया है और बहुत अच्छा लगा नहाने के बाद और बहुत मस्त लगा है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ की एनर्जी है ना बिल्कुल वन फर्स्ट नंबर है, बहुत बहुत ही अलग है गाइस, इतना अच्छा लग रहा है, जिंदगी के लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये मेरा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर लोग बताते हैं कि जो भी यहाँ पर एक बार स्नान कर लेता है ना और यहाँ के सारे रोग मिट जाते हैं जिसमें, और बिल्कुल लाइफ क्लीन हो जाती है गाइस। यहाँ पर कोई दिक्कत होती है, सबसे मेन मकसद है अगर आपके यहाँ पर एलर्जी है ना, चरम रोग भी यहाँ पर नहाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मस्त नहाना धोना तो कर लिया, आप कपड़े चेंज करके मिलते हैं आपके लिए गाइस। मस्त यहाँ से तो नहाना धोना हो गया है हम सबका, तो आज गाइस अपने फोन तो ले लिया है, अब इसे लेके चलते हैं अंदर चढ़ाने के लिए और फिर मिलते हैं हम चढ़ाने के लिए। फूल तो चढ़ा दिया, अभी डंडी को लेकर तो आ गए क्योंकि इसमें कांटे हैं, अगर वहाँ पर डालते तो फिर इस कांटे उठे चुभने की मतलब दिक्कत हो जाती, किसी के कांटे भी चुभ सकते थे। तो फाइनली इसको लेकर अब जाने से कहीं रख देंगे और बाकी तो यहाँ का कुंड का काम तो हो चुका है सब कुछ फाइनल। और एनर्जी गाइस यहाँ पर नहाने के बाद अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो तो वो दूर हो जाती है और एलर्जी भी दूर हो जाती है। यहाँ पर डस्टबिन लगी हुई है, इसे डस्टबिन में डाल देते हैं। और गाइस यहाँ पर नहाने के बाद ना, यहाँ पर अगर आपके जिस्म में कहीं भी चरम रोग है ना तो यहाँ पर दूर हो जाएगा चरम रोग नहाने के बाद। यहाँ पर चप्पल उतार दी, चप्पल लेके चलते हैं फिर। दोस्तों मस्त नहाना धोना तो हो गया है, वहां से नहा धो के कपड़े भी चेंज कर लिए फ्रेश एकदम बिंदास। अब प्रसाद लेके चलते हैं सीधी चढ़ाने के लिए और एक गुलाब का फूल लेकर करते हैं दर्शन और फिर मिलते हैं आपके लिए यहाँ पर भीड़ में। भाई इन भाई से ले लेते हैं प्रसाद और यही बैग को सब यहीं देते हैं, चप्पल उप्पल यहाँ पे उतार देंगे और फिर चलते हैं मंदिर। तो पहले जूते चप्पल यहाँ उतारती है, बैग वहाँ धर दिए भाई ने और फिर चलते हैं मंदिर। दोस्तों गुलाब और प्रसाद लेके हम चल दिए वहाँ से और अब चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ है, दर्शन सही से हो पाते हैं या नहीं, आपको मिलेगा हमारे ब्लॉग में देखने को। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करना और वीडियो पे स्किप बिल्कुल ही मत करना, आज की वीडियो बहुत यूजफुल और बहुत यूनिक होने वाली है। तो फाइनली दोस्तों श्याम जल लेने के लिए हमने एक कैन भी ले लिए और फिर देखते हैं मंदिर में श्याम जल मिलता है या नहीं। यहाँ पर प्रसाद की दुकान है ना, इतनी मस्त मस्त है ना, बहुत बहुत ही होगी, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पर जहाँ से प्रसाद लोगे ना वहीं पे जूता चप्पल भी छोड़ लगे। तो फाइनली गाइस इस रास्ते से जितने लोग भी जा रहे हैं ना, हर किसी के हाथ में गुलाब और प्रसाद तो बहुत कम के पास है लेकिन गुलाब मिल रहा है। तो फाइनली गाइस हम मंदिर के अंदर एंट्री कर ली है हमने और इस अब यहाँ से चलना है सीधे अंदर। फाइनली दोस्तों हमने मंदिर के अंदर तो एंट्री कर ली, यहाँ से है जाने के सिस्टम और यहाँ से ही जाते हैं अंदर के लिए। मंदिर के अंदर तो एंट्री कर ली हम सब लोगों ने और गुलाब के साथ और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर गाइस, बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, इतना मजा आ रहा है गाइस। ये मेरी जिंदगी का सबसे फर्स्ट ऐसा ब्लॉग होने वाला है कि जिंदगी मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था जहाँ पर मैं अब जा रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम था कि खाटू श्याम जाने की कोशिश करूँ मैं और सच में बाबा ने आज बुला ही लिया अपने दरबार में। तो अब चलते हैं सब लोगों के साथ में बाबा के दरबार और ये देख रहे हैं कितना बढ़िया एलसीडी लगी है और कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो फिलहाल इतनी भीड़ तो यहाँ पर नहीं है और अंदर का तो पता नहीं, फिलहाल अभी तो यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण और साफ सुथरा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली दोस्तों बाबा के दर्शन करना है बिल्कुल सामने से, तो हम चलेंगे सामने वाली लाइन में और इधर की क्रॉस लाइन जो पीछे से जाती है पर हम चलते हैं सामने वाली लाइन में। तो फाइनली दोस्तों अभी फूल जो टूट चुका है यहाँ पर भगवान का, बिल्कुल कोई भी भीड़ नहीं, भीड़ भाड़ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद में। तो गाइस ये ड्रीम था ना, जो भी वीडियो हम पहले यूट्यूब पर देखते थे अब वो सामने से देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मस्त दर्शन तो हो गए क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए हम लोग वहाँ पर वीडियो नहीं बना सके, लेकिन हम मस्त दर्शन कर करा के तो यहाँ पर आ गए प्रसाद को साथ लेके। दोस्तों हम मंदिर के अंदर से शाम जल तो ले लिया है और गार्ड साहब से मैंने कहा था तो उन्होंने फिलहाल दिया मेरे को जल, ये जो शाम जल है ये फिलहाल मैंने कैन में लिया है और ये जल लेने के, इसका कलर देख रहे हैं बिल्कुल गाइस बहुत, इसका तो मतलब अंदाज ही अलग है इस जल का भाई। ये शाम जल जो अमृत के समान होता है जो फाइनली मुझे गार्ड सर ने दिया है और अभी तो फिलहाल हम जूती चप्पल लेने के लिए जा रहे हैं। मस्त समय मंदिरों में प्रसाद तो चढ़ा दिया है और ये शाम जल हमारे साथ ही है फिलहाल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी नई वीडियो किसी नए बाय।